तो गाइस जिस चीज को कभी सपना में भी नहीं सोचा जा सकता है गाइस, तो उस अपडेट को यूट्यूब ने YT स्टूडियो के अंदर में डाल दिया है, लाइव देख पा रहे होंगे गाइस। और इस अपडेट के मदद से चाहे आपका शॉर्ट चैनल हो, चाहे लॉन्ग चैनल हो, चाहे कोई भी चैनल क्यों ना हो भाई, डजन डिमीटर इतना तेजी से ग्रो होने वाली है कि आप कभी सपना में भी नहीं सोचे होंगे। उस टाइप के अपडेट यूट्यूब ने ला के आपके आंख के सामने रख दिया है गाइस, और अभी तक आपके YT स्टूडियो में अपडेट नहीं आया है। तो ये अपडेट कैसे आएगा, ये फीचर एनेबल कैसे करना है, सारा प्रोसेस A to Z बताने वाले हैं। और लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके चैनल ग्रो कैसे होगा, आपके चैनल पर रिकमेंडेशन कैसे बढ़ेंगे, आपके चैनल पर रिकमेंड लोगों के पास कैसे किया जाएगा, आपके वीडियो का, आपके शॉर्ट का, आपके कम्युनिटी टैब का, A to Z गाइस यहां से आपका हैंडल होने वाली है। और इस अपडेट को समझो नहीं तो भाई 100% बोल रहा है, एकदम पूरा रियल लाइफ में बोल रहे हैं कि घसेटे रह जाओगे जैसे दुनिया घसेट रही है। जितना जल्दी समझोगे इस अपडेट को, क्योंकि आज नहीं तो कल सभी को समझ में आएगा ये अपडेट, और आज समझोगे आज से आपके वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएंगे, कल समझोगे कल आपके वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएंगे, परसों समझोगे परसों से आपका वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस जल्दी से इस अपडेट को समझिए, जो भी अपडेट आया है बहुत खतरनाक अपडेट आया है, और इस अपडेट को समझने के बाद देन उसके बाद आपके सारे के सारे शॉर्ट जो है, सारे के सारे वीडियो जो है रैंक करना शुरू कर देंगे फर्स्ट दिन से ही। अब वो कैसे आपको लाइव दिखाएंगे तब समझ में आएगा। तो गाइस आगे जाने से पहले कल के वीडियो का ये भाई विनर है, इनके जनों को मैं कम्युनिटी पोस्ट, देन उसके बाद इंस्टाग्राम, देन उसके बाद फेसबुक, हर जगह पे मैं प्रमोशन कर दूंगा। इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप भी इसी तरह से प्रमोशन कराना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो उसके लिए आपको सिंपल सा फंडामेंटल है, इस वीडियो के नीचे आपको छोटा सा लाइक मार देना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है, देन उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तभी जाके आपके वीडियो जो है, आपके चैनल जो विनर निकलेगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम आपका विनर निकल जाएगा। तो गाइस उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि गाइस आपको YT स्टूडियो में आ जाना है। ठीक है, YT स्टूडियो के एनालिटिक्स में जैसे ही आइएगा तो गाइस आपको एक फीचर इनेबल दिखेगा, अभी अपडेट नहीं होगा, तो इसे इनेबल कैसे करना है सारा ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखा होगा गाइस लर्न हाउ YouTube रिकमेंड्स कंटेंट, यानी कि गाइस आपके कंटेंट को, मतलब यानी कि शॉर्ट्स हो या फिर लॉन्ग वीडियो, वीडियो को ही यहां पे कंटेंट YouTube बोलता है। ठीक है, YouTube जो है वीडियो को ही कंटेंट बोलता है, तो गाइस आप अपने वीडियो को शॉर्ट्स हो या फिर लॉन्ग हो कैसे उसको रिकमेंड कर सकते हैं, वही चीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब उसके लिए उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस करना क्या है, यहां पे लाइव देख पा रहे हो व्हाट इन्फ्लुएंस रिकमेंडेशन, मतलब यानी कि आपका जो वीडियो है, ठीक है, आपका जो वीडियो है वो लोगों के पास कैसे रिकमेंड करेगा, कैसे किस प्रकार से क्या करोगे कि आपके जो वीडियो है लोगों के पास रिकमेंड करेगा और आपके वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यू जाएगा। नीचे लिखा हुआ है लाइव देख पा रहे होंगे रिकमेंडेशंस आर बेस्ड ऑन अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जो आपके चैनल पर, चाहे वो नया चैनल हो चाहे पुराने चैनल हो, जो आपके यहां पे रिकमेंडेशन बेस्ड जो है वो आपके चैनल पर कुछ थिंग्स, मतलब कुछ चीजों के मदद से गाइस रिकमेंड किया जाता है, वो क्या-क्या ध्यान से देखिएगा, एंड योर ऑडियंस इज मेन फोर्स बिहाइंड देम, यानी कि आपके चैनल के जो पीछे मेन चीज है वो आपके ऑडियंस है। ठीक है, आप वो कैसे ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद यहां पे लाइव लिखा हुआ है लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। ठीक है, अब यहां पे कुछ दिया हुआ है जो आगे मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूं, हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, अगर यहां पे एक स्टेप को भी मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब यहां पे लिखेगा तो व्हाट इन्फ्लुएंस रिकमेंडेशन, सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद गाइस यहां पे लाइव देखिएगा तो डू योर वीडियोस स्टैंड आउट ऑफ पीपल, ठीक है, आउट टू पीपल यहां पे लिखा हुआ है। अब गाइस यहां पे आपका जो थंबनेल है, ठीक है, आपके चैनल जो है, आपके चैनल पर थंबनेल हो या फिर शॉर्ट क्रिएटर हो, अगर आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो यहां पे पूरा का पूरा आपको शॉर्ट्स दिखाया जाएगा। ठीक है, लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं तो लॉन्ग आपको वीडियो दिखाया जाएगा। तो मेरा यहां पे लाइव देख पा रहे हो अलग अलग थंबनेल बहुत सारे, यहां पे आपको 9 को थंबनेल दिखाई देगा, और बीच में मेरा जो थंबनेल है यहां पे बीच में जो है, जो मैंने कल का वीडियो अपलोड किया था वही थंबनेल मेरे को यहां पे शो हो रहा है, प्रूफ आपके आंख के सामने देख पा रहे होंगे, और यहां पे बोल क्या रहा है YouTube। ठीक है, यही चीज को समझना है, आपके अगर शॉर्ट्स अपलोड कहते होंगे तो गाइस आपको शॉर्ट्स यहां पे दिखाई देगा, 9 को शॉर्ट्स दिखाई देगा, वो 9 शॉर्ट्स में आपका बीच में एक शॉर्ट्स दिखाई देगा। ठीक है, आप जाके चेक आउट जल्दी से कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आगे और चीज समझना है कि कैसे रिकमेंड कर रही है YouTube अभी। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं तो यहां पे लाइव देख पा रहे प्रोटेंड यू आर अ व्यूअर दैट डजंट नो योर चैनल व्हाट वीडियो क्लिक ऑन। ठीक है, इसका मतलब बोल क्या रहा है कि अगर आप एक नया व्यूअर है, ठीक है, और आपका इसमें एकदम एक भी चैनल नहीं है और एकदम नया व्यूअर आए हैं, और ये बोल रहा है कि अगर आप नया व्यूअर हैं तो कौन सा थंबनेल पर आप जल्दी क्लिक करोगे। ठीक है, यही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप क्रिएटर नहीं हो, मान लो कि एक व्यूअर हो, ठीक है, तो इस पर कौन सा पर क्लिक करोगे, यही बोल रहा है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट आगे की बात करें तो भाई आगे में क्या बोला रहा है लाइव देख पा रहे होंगे यहां पर,
यहाँ पे आगे में बोला है कि गाइस डू पीपल चूज योर वीडियोस, ठीक है, मतलब यानी कि हमारे जो वीडियो है ठीक है, यहाँ पे भी आपको मे बी शॉर्ट्स क्रिएटर या फिर लॉन्ग क्रिएटर दोनों में आया होगा, ध्यान से समझिएगा ठीक है। बोल क्या रहा है कि एवरी 100 टाइम्स डेट योर थंबनेल्स आर सो व्यूअर्स चूज देम 5 टाइम्स, ठीक है, यानी कि हमारे जो वीडियो है ठीक है, हमारे वीडियो को गाइस यहाँ पे कितने लोगों को दिखाया जा रहा है, 100 लोगों को दिखाया जा रहा है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 ही लोग क्लिक कर रहा है वहां पे, ठीक है। देन उसके बाद लाइव देख पा रहे होंगे, मेनी पॉपुलर वीडियो आर चूजन अप टू 10 टाइम्स इन द फर्स्ट डे, यानी कि बहुत सारे हमारे जो पॉपुलर वीडियो यानी कि जो भी लोग नया वीडियो अपलोड होती है उस पे गाइस यहां पे 10 टाइम्स लोग जो है क्लिक करते हैं, यानी कि 100 लोगों पास भेजता है YouTube, तो वहां पे गाइस सेफ और सेफ यहां पे 10 लोग क्लिक करते हैं, लेकिन अभी जो एवरेज दिखा रहा है वो 5 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो लाइव देख पा रहे, डू योर वीडियोस कीप पीपल्स वाचिंग, ठीक है, हमारे जो वीडियो है वो यानी कि कितने मिनट के हैं और कितने देख रहे हैं, कितने मिनट तक देख रहे हैं उसके बारे में बता रहा है, तो योर वीडियोस इज 15 मिनट्स, ठीक है, हमारा जो वीडियो है गाइस ठीक है, आपके भी वीडियो कहीं ना कहीं 8 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का होगा, शॉर्ट की बात करें तो 30 सेकंड होगा या फिर 40 सेकंड होगा या फिर 55 सेकंड होगा या फिर 60 सेकंड का होगा, यही कुछ आपको सेकंड का होगा शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। वही बोला है कि हमारे जब 15 मिनट का वीडियो है तो 3.5 मिनट देखा जाता है, और जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो गाइस यहां पे 7.5 मिनट देखा जाता है, मतलब यानी कि लाइव देख पा रहे जितना भी हमारे चैनल पर पॉपुलर वीडियो है वो सारे पॉपुलर वीडियो को 7.5 मिनट तक वाचिंग मिला है गाइस, तब जाके वो पॉपुलर में गया है, मिलियन में व्यूज गया है, ठीक है। यही चीज को समझाने के लिए YouTube बोला है, अब लाइव देखिएगा कैसे रिकमेंड करेगा, आगे बताते जा रहा है, Do people enjoy your videos, ठीक है, यानी कि हमारे जो वीडियो है लोग enjoy कर रहे हैं हमारे वीडियो के साथ। नीचे क्या लिखा हुआ है, People are so more of the of what they like this year and response positively to in your in YouTube survey, ठीक है, जब YouTube survey करता है ठीक है, आप live देखे होंगे कि YouTube survey करता है, वहां पे स्टार बोलता है कि कितना स्टार दोगे या फिर इमोजी वगैरह छाप के देता है, बताता है कि कौन पे क्लिक करोगे, कैसा वीडियो लगता है इस चैनल का, ये सारा चीज, ठीक है। तो सर्वे में भी गई हमारा जो चैनल है वो रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि आप लोग जो है अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आगे बोला रहा है, बहुत बता रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता भी रहा हूं कि किस प्रकार से रिकमेंड कर रही है और यहां पे कैसे क्या YouTube बोल रहा है, ठीक है। अब गाइस मेन पार्ट यही है, डोंट फॉरगेट हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसका मतलब कि गाइस यहां पे लाइव देख पाओगे तीन टॉपिक है, तीन चीज को समझना है अपने चैनल पर, अगर आप ये तीन चीज को समझ जाते हैं तो भाई आपके चैनल की मतलब क्या ही बोले, मतलब खतरनाक तरीके से ग्रो होने वाली है, क्योंकि गाइस यही मेन तीन चीज जो है गाइस आपके चैनल को बूस्ट करेगा, आपके चैनल अगर डेड हो गया है तो मौत के कुआं से यही चीज निकालेगा, अगर आपका नया चैनल है तो तेजी से यही तीन चीज ग्रो कराएगा, और अगर आप वीडियो को अपलोड करते करते थक गए, 0, 5, 6, 10, 15 व्यूज आ रही है, तो यही तीनों चीज आपको ऊपर करेगा। वो कैसे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले टॉपिक इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि बोला है आर यू चूजिंग अ पॉपुलर और यूनिक टॉपिक, ठीक है, पॉपुलर का मतलब यानी कि बोल क्या रहा है कि गाइस ट्रेंडिंग, ठीक है, मतलब यानी कि पॉपुलर का मतलब यही हो रहा है कि ट्रेंडिंग टॉपिक को उठाओ, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो गाइस यहां पे अगर बनाते हो ट्रेंडिंग टॉपिक पर तो गाइस 100% है कि आपके चैनल पर बूस्ट मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक बूस्ट वीडियो पर बूस्ट अगर आपका कहीं मिल गया, चाहे वो शॉर्ट्स हो या फिर लॉन्ग हो, तो आपका धड़ल्ले से बैक टू बैक सारे वीडियो जो है वहां पे वायरल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो लाइव देख पा रहे यहां पे कंपटीशन क्या लिखा हुआ है, कंपटीशन लिखा हुआ है नेक्स्ट, ठीक है, तो आप गाइस यहां पे प्रूफ दिखा देता हूं कंपटीशन में क्या है, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गाइस प्रूफ दिखा देता हूं, ठीक है, यहां पे लाइव देख पा रहे होंगे, ठीक है, कंपटीशन में थोड़े सा आगे चलते हैं, ठीक है, यहां पे कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन में लाइव देख पा रहे क्या लिखा हुआ है, आर देयर अदर वीडियोस ऑन द टॉपिक दैट दे आर कुड वॉच, ठीक है, यानी कि गाइस आप अपने चैनल पर अगर वीडियो को डाल के थक चुके हो, एक ही टाइप के वीडियो डाल के थक चुके हो, वायरल नहीं हो रही है, व्यूज नहीं आ रही है, तो भाई वहां पे टॉपिक को चेंज करो, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करो, टॉपिक को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस घसीटते जा रहे हैं, एक ही टाइप के वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, आपको टॉपिक को वहां पे चेंज करना है, YouTube खुद बोला है, लाइव देख लीजिए। नेक्स्ट आपका सीजनली, ठीक है, सीजनली का मतलब क्या हो रहा है कि गाइस अगर आप वीडियो अगर बनाते हैं तो सीजनली चेंज कीजिए, अलग अलग सीजन में अलग अलग वीडियो बनाइए, मतलब यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि लर्न मोर फ्रॉम एन एक्सपर्ट ऑन यूट्यूब रिकमेंडेशन, ठीक है, आप गाइस यूट्यूब जो रिकमेंड कैसे करती है वो को और डीप जानना चाहते हैं और अच्छा से समझना चाहते हैं तो YouTube एक वीडियो भेजा है जिसपे लाइव देख पा रहे YouTube एल्गोरिदम 2023 व्हाट क्रिएटर नीड टू नो, ठीक है, अभी 2024 में नया
नया वीडियो डाउनलोड हुआ है उसके लिए उस पर हम क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइव दिखा देते हैं यूट्यूब पर किस टाइप की ये वीडियो है, ठीक है। और इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो भाई धड़ल्ले तरीके से बहुत खतरनाक तरीके से व्यूज ला सकते हैं अपने चैनल पर। तो लाइव देख पा रहे होंगे इस यूट्यूब एल्गोरिदम और यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है क्रिएटर इनसाइट के चैनल पर ऑफिशियल चैनल पर ये वीडियो, और इस पर क्लिक करके देन उसके बाद वॉच कर सकते हैं और अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो में मतलब यानी कि इस अपडेट में गाइस साफ साफ यही लिखा हुआ है कि गाइस आपको समझना है कि आपके जो वीडियो है ठीक है रिकमेंड कैसे कर रही है, मतलब यानी कि कितने लोगों को शो कर रही है, तो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, हमारे चैनल के जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिवली है कि नेगेटिवली है, देन उसके बाद हमारे वीडियो को कितना लोगों के पास शेयर कर रहा है तो कितना लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, ये सारे चीज को समझ के देन उसके बाद आगे बढ़िएगा तभी जाके आपके चैनल जल्दी ग्रो होगा, ठीक है। तो ये चीज को डीप समझिए गाइस, और डीप जितना जल्दी समझिएगा उतना जल्दी आपको सही रहेगा, ठीक है। तो इतना चीज को समझिए 100% आपके चैनल ग्रो होगा ही होगा। गाइस आई होप कि आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी और आपके UIT स्टूडियो में अपडेट आया है कि नहीं नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। इसी तरह का फ्यूचर में और YouTube से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाएगा। थैंक यू दोस्त।